जब जब किसी फिल्म में किसी बोल्ड सीन या हीरोइन के अंतरंग दृश्यों को लेकर हो हल्ला होता है तो कहा जाता है कि ये कहानी की मांग है। कई हीरोइनों ने मैगजीन के कवर के लिए भी कपड़े उतारने कबूल किए। हम आपको ऐसी ही कई हीरोइनों के बारे में बताएंगे जिन्होंने मैगजीन कवर के लिए भी कपड़े उतारे। ईशा गुप्ता। ईशा ने किंगफिशर के कैलेंडर के लिए फोटोशूट में सिर्फ बिकिनी पहनी थी, ऊपर कुछ भी नहीं था। बिपाशा बसु। कुछ वक्त पहले करण सिंह से शादी रचाने वाली बिपाशा बसु भी मैगजीन के कवर पर अपने शरीर के ऊपरी भाग को हाथों से छुपाती नजर आई थीं। नरगिस। हाउसफुल 3 की हीरोइन नरगिस ने तो फोटोशूट में बालों को ही कपड़ों की तरह इस्तेमाल किया। काजल अग्रवाल। साउथ और बॉलीवुड दोनों में नाम कमाने वाली काजल अग्रवाल का ये अंदाज भी देखिए। ममता कुलकर्णी। 90 के दशक में धूम मचाने वाली ममता कुलकर्णी ने उस वक्त शर्ट उतारकर हंगामा मचा दिया था। इन सब के साथ साथ दीपिका, श्रेया सरन, अमीषा पटेल और मिनीषा लांबा फोटोशूट के दौरान कपड़े उतार चुकी हैं। विवादों में रहने वाली राधे माँ एक बार फिर से विवादों में आ गई हैं। वैसे बॉलीवुड में एक एक्ट्रेस ऐसी भी हैं जिन्होंने फिल्म ओ माय गॉड में राधे माँ के जैसा ही किरदार प्ले किया था। हम बात कर रहे हैं पूनम झावर की। पिछले साल अगस्त में जब चारों ओर राधे माँ के विवाद चर्चा में थे, उसी दौरान पूनम ने ट्विटर पर एक फोटो अपलोड की और लिखा, मैं हूँ असली राधे माँ। इसके साथ ही वो चर्चा में आ गई। पूनम का जन्म 14 अगस्त 1976 में मुंबई में हुआ। पूनम का परिवार राजस्थान से है, लेकिन वो बचपन से ही मुंबई में रही हैं। पूनम ने अपने करियर की शुरुआत एड से की, जिसके बाद उन्हें फिल्म मोहरा में मौका मिला। पहचान न मिलने के चलते उन्होंने कई आइटम नंबर किए। उन्हें प्लेबॉय मैगजीन से फोटोशूट का ऑफर भी आया था, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया था क्योंकि वो न्यूड फोटो की मांग कर रहे थे। बेस्ट नोन फॉर कॉन्ट्रोवर्सीज, हॉट एंड बोल्ड पूनम पांडेज एरोटिक थ्रिलर द वीकेंड, प्रोड्यूस्ड अंडर द बैनर ऑफ वर्ल्ड नेटवर्क्स, वॉज लीक्ड ऑनलाइन एंड इज गोइंग वायरल बिफोर इट्स रिलीज ऑन 24th September. पूनम लुक्स वेरी सेक्सी विद हर अपीलिंग बॉडी एंड कर्व्स इन द फिल्म। पूनम इज बैक वंस अगेन विद हर सेंसुअस एंड ओवरलोडेड अवतार, विच इज गोइंग टू मेक द ऑडियंस मोर क्रेजी दिस टाइम। द वीकेंड इज अ एरोटिक शॉर्ट फिल्म विच विल बी इंडियाज फर्स्ट अडल्ट मूवी for mobile lovers which is not rated or certified by CBFC. The movie will be only available on phone. बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने कई सुपरहिट फिल्में की हैं। हाल ही में प्रियंका चोपड़ा ने हार्पर बाजार इंडिया मैगजीन के कवर पेज के लिए एक फोटोशूट करवाया है। हार्पर बाजार इंडिया एक फेमस मैगजीन है और इसके कवर पेज के लिए काफी बॉलीवुड और हॉलीवुड एक्ट्रेसेस आए दिन फोटोशूट करवाती रहती हैं। इस फोटोशूट में प्रियंका बेहद हॉट अवतार में नजर आ रही हैं। प्रियंका की ये तस्वीरें मैगजीन के सितंबर एडिशन के लिए शूट की गई हैं। खास बात ये है कि मैगजीन ने प्रियंका को अपनी मोस्ट वांटेड लिस्ट में भी शामिल कर लिया है। आजकल प्रियंका अपनी हॉलीवुड फिल्म बेवॉच और टीवी शो क्वांटिको 2 की शूटिंग भी कर रही हैं। वो अपनी फिल्म और शो की शूटिंग करने के लिए अमेरिका गई हुई हैं। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान लाविश लाइफ जीने में यकीन करते हैं। महंगी कारें, बेहतरीन इंटीरियर से भरे घर, उनके ब्रांडेड कपड़े और परफ्यूम इस बात के सबूत हैं कि रियल लाइफ में वो पूरी शान और शौकत के साथ जीना पसंद करते हैं। वैसे सलमान अपनी रियल और रील लाइफ के साथ चैरिटेबल वर्क के लिए भी जाने जाते हैं। उनका बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन अब तक लाखों लोगों की मदद कर चुका है। सलमान खान के फाउंडेशन बीइंग ह्यूमन का कॉर्पोरेट ऑफिस मुंबई में स्थित है। इस ऑफिस का इंटीरियर दी एशलीज ने किया है। इस लैविश ऑफिस के रिसेप्शन कॉरिडोर से लेकर मीटिंग रूम की फोटोज देखिए। अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज देखने के लिए। फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।